तो हाय फ्रेंड्स, फिर एक नई वीडियो पे आप सभी को स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि आज एक आपको नई चीज़ दिखने के लिए मिलेगा। अगर आप देख चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप सभी के लिए एक नया वीडियो होगा जो कि इंटरेस्टिंग भी होगा। और आपको आज दिखाएंगे कि कैसे एक बांस की मदद से मछली को पकड़ते हैं, और उसकी पूरा फुल प्रोसेस दिखाएंगे, और कैसे उसको बनाते हैं मछली पकड़ने के लिए पूरा फुल दिखाएंगे। वीडियो में बने रहिए, और फ्रेंड्स वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहिए और चलते हैं आगे, देखते हैं कैसे तैयार होता है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये बांस है, ये जो बांस है इसको हम काट के एक्सप्लोर में मतलब इसका मदद से एक्सप्लोर में काट के इसको छोटा छोटा करते हैं पहले इसको, फिर इसको चीर के ऐसे पतला पतला करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक ऐसे पतला पतला करके फिर इसको ऐसे मतलब देखिए मैं काट के रखा हूँ ऑलरेडी, फिर इसको ऐसे पतला पतला फिर करते हैं, फिर इसको अच्छी तरह से छील कर इसे मतलब इसे अच्छी तरह से छील कर फिर इसको साइज करके देख सकते हैं इसी तरह छील कर इसको फिर अच्छी तरह से छील कर पतला करके फिर इसको काम में लगाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, और ये भी मतलब अभी तक मतलब अच्छी तरह से छीला नहीं है, पर इसको अच्छी तरह से छील कर फिर आपको कैसे तैयार होते हैं आपको फिर दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहिए और आगे देखते रहिए कैसा हो रहा है प्रोसेस। ये देखिए फ्रेंड्स, बांस को छील के इसको फिर रस्सी में बांध के फिर इसको मछली पकड़ने के लिए तैयार करते हैं। कितना मेहनत लग रहा है देखिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, मतलब सब बांस को छील के ऐसे पतला पतला कर चुके हैं हम, और फिर इसको रस्सी में बांध कर फिर इसको जैसे कपड़ा जैसे मतलब सिलाई होता है वो, लेकिन ये इसको बांधना पड़ता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे उसको बांधते हैं फिर बांध कर तैयार करते हैं जो कि मछली पकड़ने के लिए। और फ्रेंड्स आपको दिखाते हैं, एक तैयार हो चुका है तो उसको हम अभी दिखाएंगे। ये देखिए इसको हटाते हैं फ्रेंड्स, देखिए ये है वो चीज जो कि हम एक बना चुके हैं और एक तैयार चल रहा है, जो कि ये देखिए इसका अंदर जाएगा मछली और जाके फंस जाएगा। और भी यहाँ इसका मतलब यहाँ थोड़ा काम बांस का पत्ती जाएगा यहाँ से इस साइड से और इस साइड से, और इसकी इस साइड से बांधना होगा और इस साइड से बांधना होगा, जो कि ये मतलब निकल ना पाए, जो कि मछली एक बार घुसे तो वापस नहीं आ सके। तो ऐसे इसको फिटिंग करेंगे, और मतलब और बाद बाकी सब फिटिंग हो चुका है, और सब फिटिंग होने के बाद और ये जो एक्स्ट्रा है इसको फिर साइज करके कटिंग कर देंगे। गर्मी में पूरा पसीना पसीना हो गया, देखिए पूरा धूप में खड़ा है। यही हमारा काम है और क्या। हाँ, काम तो और कुछ है नहीं घर में बैठ कर।
तो फ्रेंड्स इसमें बहुत मेहनत लगता है, जो कि बांस को फिर लाके उसको कटिंग करके फिर ऐसे मतलब पतला पतला छील कर फिर इसको साइज करके फिर इसको मतलब रस्सी में सिलाई जैसे करके बांधना पड़ता है, तब जाके ये फिटिंग होता है मछली पकड़ने के लिए, जो कि इसके तरह। और चलिए आपको दिखाते हैं और भी, जो कि इस साइड हम कटिंग करके रखे थे बांस, और भी बहुत कटिंग होगा जो कि कटिंग नहीं हुआ है। और ये फ्रेंड्स कटिंग करके ये है, देखिए फ्रेंड्स, जो कि इतना सारा जो कि बांस को छील कर हम पतला करके उसको बनाते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें बहुत मेहनत लगता है, और क्या बोलें, ताकि जो भी कुछ है बस ऐसा ही है, ताकि जो भी काम हो उसमें तो मेहनत लगता ही है, क्योंकि ये है बांस जो कि, और इतना सा बच्चा है, ये है इतना बच्चा है, और जो कि हर काम में मेहनत तो लगता है। तो इसलिए मैं सोचा कि आप सभी लोगों को भी दिखा देते हैं और कैसा है होता है। तो ये जो तैयार होता है उसको हम कैसे मतलब फिटिंग करते हैं, कैसे उसको और भी मांस इसको अंदर से डालते हैं, इसका जैसे करते हैं और आपको दिखाते हैं। जो कि हमारा यार हो चुका है ये बांस, ये इधर कैसे बांधा होगा ये देख सकते हैं, जो कि मेरा भाई रस्सी बांध रहा है। उस दिन मतलब अंधेरा हो गया था तो आपको दिखा नहीं पाए, तो हमारा मीटिंग हो गया था और अंधेरा होने के बाद आपको दिखाई नहीं मतलब दिखा नहीं पाए। तो रात को हम ज़मीन में लेके बिठा दिए थे मछली पकड़ने के लिए, चलिए आपको दिखाते हैं तीन आ जाओ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये हमारा तीन है, ये ये और ये हमारा जो मैं बनाने का टाइम को आपको दिखाया था, जो कि ये और ये दोनों हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि ये देखिए मतलब रात हो गया था तो इसलिए आपको दिखा नहीं पाए। तो रात में इसको ज़मीन में लेके बिठा थे और वहाँ मछली मतलब ज़्यादा हो रहा था, तो इसलिए हम लेके बिठाए थे ज़मीन पर और मछली भी पकड़ते, तो इसलिए मैं सोचा कि आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए हम दो फिटिंग कर चुके हैं, और ये पहला मैं फिटिंग करे किया था जो पुराना हो गया है, ये देखिए सबसे बड़ा वाला ये है, और इसके बाद ये है, और इसके बाद ये है, तीन है देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स कितना काफ़ी मेहनत करने के बाद ये तीन हम बना पाए हैं, और ये देखिए अंदर से लुक थोड़ा दिखा दे अंदर,
ये देख सकते हैं तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मतलब इसका मांस इसका अंदर एक बार मछली जाएगा तो वो वापस घूमते नहीं आ सकता है, बार बार बाहर ही पड़ता नहीं है। तो ये फ्रेंड्स देखिए ये सभी का सेम चीज है क्योंकि ये देखिए ये वाला इसका अंदर भी है। तो देखिए फ्रेंड्स हम इसी तरह करके मछली को पकड़ते हैं। जो कि फ्रेंड्स देखिए हम इसी तरह करके मछली पकड़ते हैं और क्या करें, घर में बैठ के ऐसे यार कुछ काम नहीं है तो सोचे कि कुछ तो करें और ताकि आपको भी कुछ देखने के लिए मिले और कुछ सीखने के लिए मिले। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन का प्रेस जरूर करना फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स वीडियो को इतना वायरल करना ताकि हर लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके और ये चीज़ सभी लोग देख सकें। तो फ्रेंड्स और कभी और ज़रूर कमेंट करना ताकि इसके अंदर कैसे मछली मतलब आते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना और तभी हम इसके अंदर कैसे मछली पकड़ते हैं उसके लिए एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और वीडियो बनाने के लिए फ्रेंड्स ज़रूर कमेंट करना फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आज का वीडियो में इतना ही और तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।